जमाना है हो रे भ्रष्टाचार मैं भी अन्ना तू भी अन्ना अब तो सारा देश है ना मैं भी अन्ना तू भी अन्ना अब तो सारा देश है अरे मैं भी अन्ना तू भी अन्ना अब तो सारा देश है ना जनगण रण जी हां रामलीला मैदान में ऐसा लगता है कि पूरा देश इस समय अन्ना हजारे का समर्थन करने पहुंच गया है। जन सैलाब है, सीधे आपको वहां की तस्वीरें दिखा देते हैं। आज संडे का दिन है, रविवार को लोगों की छुट्टी रहती है, शायद इसलिए भी आज रामलीला मैदान में जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। ये देखिए शांत भूषण जी, स्वामी अग्निवेश देश से बड़े लोग, कल हमने आप शेयर किया था भारत कोकिला भारत रत्न। हमारे मैनेजिंग एडिटर अजीत अंजुम इस समय रामलीला मैदान से हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे। अजीत, इस समय आप क्या देख पा रहे हैं, कैसा महसूस होता है रामलीला मैदान में आज? साथ दिया है आप सब भी, क्योंकि हिंदुस्तान क्या है, 1/125 करोड़ हिंदुस्तान हम हैं। अन्ना का आंदोलन एक फैशन है, इसी तरह से एक और नेता ने कहा कि कहीं भी किसी भी मैदान में कोई डमरू बजाने लगे तो ऐसी भीड़ जुट जाती है। मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से लोग आ रहे हैं, और अगर ये फैशन है तो इसी को आंदोलन कहते हैं और इसी को जनता कहते हैं। और इसी तरह से अगर फैशन परस्त जनता आंदोलनकारी के शक्ल में मैदान में जुटने लगे तो कई सरकारों के लिए कई बार मुश्किल होती है। आपको कुछ तस्वीरें मैं दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये तस्वीर है, अपनी तरफ से ये लोग पोस्टर बनाकर आए हैं। किसी राजनीतिक दल ने, किसी पार्टी ने इनको ये पोस्टर बैनर बनाकर नहीं दिया है। आप तस्वीरें देखिए, ये सज्जन है, इन्होंने लिखा है कुछ भी फोड़ो कुछ भी तोड़ो मगर जनता का दिल ना तोड़ो। और इन्होंने, इनके पीछे भी इनको, इन्होंने जो टोपी बना रखी है उस पर लिखा है दूध का असर दही बन जाए तो वापिस दूध नहीं बनता, जनता का दिल टूट जाए तो फिर नहीं जुड़ता। और इन्होंने मौन धारण कर रखा है और सिर्फ अपना संदेश लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा तीन तस्वीरें और हैं, इन्होंने देखिए सरकार और सरकार का लोकपाल को इन्होंने अपने हिसाब से डिफाइन किया है। आप पढ़ सकते हैं, 100 से सारे देश के राजनेता करप्शन के राजा कलमाड़ी को पैसा लूटने का पूरा पावर लाएंगे। इसी तरह से इन्होंने दूसरी तरफ भी लिखा है भारत के 7 रत्न, आम आदमी के मदद के बारे में सोचना पड़ता है, अन्ना हजारे अरविंद केजरीवाल जो भी लोग हैं अन्ना की टीम की। इसी तरह से ये छोटा सा बच्चा है, इनका बेटा है, इसने भी देखिए भारत को अपने ढंग से डिफाइन किया है, भ्रष्टाचार करने को राजनेता तैयार। अब ये छोटा सा बच्चा है, इसके हाथ में एक पोस्टर है, शायद न तो ये भ्रष्टाचार का मतलब जानता है न तो ये नेता का मतलब जानता है, और जाहिर है स्टैंडिंग कमेटी तो इसके पापा भी जानते होंगे कि नहीं, मुझे शक है। लेकिन ये लोग अन्ना की अपील पर ऐसे लोग जुट रहे हैं जो निर्दोष जनता जिसको कहते हैं, जिसको असली जनता कहते हैं, और जब इसके पापा आए हैं तो जाहिर है बेटा भी आया, अगली पीढ़ी भी आई है, और ऐसे लोग यहाँ जुट रहे हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। स्वतः स्फूर्त भीड़, जिस भीड़ को यहाँ तक लाने के लिए न ट्रक है न टेम्पू है न किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता इनको कहीं से मोटिवेट करके ला रहे हैं, न झुग्गी झोपड़ी से पैसे देकर इनको लाया जा रहा है, ये वो लोग हैं जो अपने आप चलकर यहाँ रहे। कई तस्वीरें, एक तस्वीर और जी अजीत, थोड़ी देर के लिए आपको रोकेंगे यहाँ पर, एक छोटा सा ब्रेक लेना है अजीत, इस ब्रेक के पास फौरन आपके